देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया, मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। नजर डालते हैं 5 मिनट 25 खबरों पर। मुंबई में उद्योगपति रतन टाटा की गाड़ी का नंबर फर्जी तरीके से इस्तेमाल करने का मामला आया सामने। ई चालान होने के बाद हुआ खुलासा, जब चालान की कॉपी पहुंची रतन टाटा के ऑफिस। गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट बनाए गए ब्रिटिश पीएम ने भारत दौरा किया रद्द, पीएम मोदी को फोन पर दी जानकारी। विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस को लगातार लग रहे झटके, ममता सरकार में मंत्री और पूर्व क्रिकेटर लक्ष्मी रतन शुक्ला ने मंत्री पद से दिया इस्तीफा, कहा ऑल द बेस्ट। संसद का बजट सत्र 29 जनवरी से होगा शुरू, बजट सत्र दो हिस्सों में होगा। पहला भाग 29 जनवरी को शुरू होकर 15 फरवरी तक चलेगा। सरकार अगले 10 दिन में वैक्सीनेशन शुरू करने की तैयारी में, हेल्थ और फ्रंट लाइन वर्कर्स को रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया कि ड्राई रन से मिले डाटा के आधार पर सरकार रेडी। तीनों कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों और सरकारों की बातचीत अब तक रही बेनतीजा, सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता। बिहार कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक भरत सिंह का दावा, कहा कांग्रेस के आधे से ज्यादा विधायक पार्टी छोड़ सकते हैं, साथ ही पार्टी में जल्द होगी बड़ी टूट, 11 विधायक छोड़ देंगे पार्टी। सुप्रीम कोर्ट ने लव जिहाद से जुड़े अध्यादेश पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सरकार को दिया नोटिस, अदालत में याचिका दायर कर इन अध्यादेशों को रद्द करने की गई थी अपील। प्रदेश में पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री अनिल राजभर का बयान, कहा सरकार जल्द ही 27% आरक्षण को पिछड़ा, अति पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा तीन भागों में बांटने जा रही। यूपी के बीजेपी एमएलए का विवादित बयान, भारत रत्न देने की मांग पर सुरेंद्र सिंह ने सोनिया गांधी के चरित्र पर उठाया सवाल, वहीं मायावती को दलितों का शोषक बताया। उत्तर प्रदेश की 12 एमएलसी सीटों पर चुनाव की अधिसूचना निर्वाचन आयोग ने की जारी, एमएलसी की इन सीटों के लिए 11 जनवरी से नामांकन की प्रक्रिया होगी शुरू, जबकि 28 जनवरी को होगा मतदान। गाजियाबाद के मुरादनगर में शमशान की छत धसने के मामले में गिरफ्तार ठेकेदार अजय त्यागी ने किया हैरान करने वाला खुलासा, सरकारी ठेके के काम में 28 से 30% कमीशन अधिकारियों को जाता। मध्य प्रदेश में रेप का आरोपी एक महीने पहले बेल पर छूटा, बाहर आकर एक 35 साल की विधवा से किया दुष्कर्म, महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी ने लोगों की बढ़ा रखी है मुश्किलें, सड़कों पर भारी बर्फबारी की वजह से जाम की स्थिति, कई किलोमीटर तक दिख रही गाड़ियों की लंबी कतार। यूपी में सुरक्षित नहीं महिलाएं, 50 साल की आंगनबाड़ी वर्कर की गैंग रेप के बाद हत्या, फेफड़े और प्राइवेट पार्ट में गहरे जख्म। उत्तर प्रदेश के बदायूं में महिला के साथ हुए गैंगरेप और हत्या के मामले में बड़ा एक्शन, लापरवाही बरतने के आरोप में थाना प्रभारी राघवेन को किया गया सस्पेंड। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने बर्ड फ्लू के खतरे से निपटने के लिए बुलाई आला अफसरों की आपात बैठक, दक्षिण के राज्यों से पोल्ट्री के कारोबार पर रोक। कोरोना काल के बीच बर्ड फ्लू नाम की एक और मुसीबत, कोरोना से ज्यादा जानलेवा है बर्ड फ्लू का वायरस, मृत्युदर 50% से भी ज्यादा। जम्मू कश्मीर में पिछले 4 दिनों से जारी बर्फबारी लोगों के लिए बनी परेशानी का सबब, फ्लाइट सेवाएं बंद, बर्फीले तूफान और भूस्खलन की चेतावनी। रोहिंगा और टेरर फंडिंग केस में उत्तर प्रदेश एटीएस ने गोरखपुर, खलीलाबाद, अलीगढ़ समेत कई जिलों में की छापेमारी, छापेमारी के दौरान 4 लोग गिरफ्तार। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसानों की सेवा में सेना का एक जवान आया नजर, कैथल के रहने वाले इस जवान ने कहा, देश की तरह किसान भी हमारी जिम्मेदारी, अगर सरकार नाराज हुई तो छोड़ दूंगा नौकरी। बॉलीवुड में ड्रग्स एंगल की जांच कर रही एनसीबी ने अभिनेता अर्जुन रामपाल की बहन कोमल को पूछताछ के लिए किया समन। पीएम मोदी और सीएम योगी की फोटो लगाकर स्वदेशी मोबाइल लॉन्च करने के मामले में पुलिस ने 2 युवकों को किया गिरफ्तार, मंत्री कपिल देव के भाई से भी होगी पूछताछ। आगरा में दूध व्यवसायी ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, 2 घंटे बाद 12 साल के बेटे ने भी उसी फंदे से लटक कर दी जान, परिवार में कोहराम मचा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 मैचों की सीरीज का तीसरा टेस्ट सिडनी में जाएगा खेला, मैच से एक दिन पहले टीम इंडिया प्लेइंग 11 का ऐलान, रोहित शर्मा की हुई वापसी। 5 मिनट 25 खबरों में फिलहाल इतना ही, खबरों के लिए बने रहिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया के साथ, नमस्कार।